नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और जयवर्धन डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान में शनिवार सुबह 18 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोटा में 14, बीकानेर में 4 नए पॉजिटिव हैं, इनमें से एक 11 साल का बच्चा भी शामिल है। इस तरह पूरे राजस्थान में कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब 579 पहुँच गया है। इधर जयपुर में कोरोना के हालात बेकाबू होने व भीलवाड़ा में एक और नया केस सामने आने के बाद राजसमंद जिले में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसके तहत जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो विशेष कमेटियों का गठन कर दें। राजसमंद उपखंड अधिकारी सुशील कुमार ने राजसमंद उपखंड क्षेत्र में कोरोना से मुकाबला करने के लिए 19 समितियों का गठन किया है। मेरे प्यारे राजसमंद वासियों, जैसा कि आप सबको जानकारी है, हमारे राजस्थान में जो कोरोना वायरस से पीड़ित जो मरीज हैं उनका आंकड़ा 200 से ऊपर चला गया है, परंतु कहीं ना कहीं राजसमंद है वो कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है और अभी तक एक भी कोरोना का केस यहाँ पर नहीं आया है। इसको लेकर के प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है, आप लोगों का सहयोग भी कर रहा है। हम लोगों की आपसे यही अपील है कि आप लोग